अपने बॉलीवुड में न जाने कितने ही पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया है और कई पाकिस्तानी गाने भी हैं जिन्हें हम सुनते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ बेहतरीन फिल्में भी बनाई हैं जो काबिले तारीफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका watchmujhe.com पर। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों के बारे में जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 10, रामचंद्र पाकिस्तानी। 2008 में आई ये फिल्म एक 7 साल के पाकिस्तानी हिंदू बच्चे की सच्ची कहानी है जो अनजाने में अपने पिता के साथ बॉर्डर पार करके भारत आ जाता है, जिसके बाद उसके परिवार को अनेकों परेशानियों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जहां दोनों को कई साल भारत की जेल में बिताने पड़ते हैं। नाम बोल। रामचंद्र। पाकिस्तान के लिए जासूसी कब से कर रहे हैं? मैं कोई जासूस नहीं हूं साहब, नहीं पता पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई तैयार खड़ी। वहीं दूसरी ओर बच्चे की माँ को कुछ समझ ही नहीं आता कि दोनों कहाँ चले गए। फिल्म पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी रिलीज हुई थी। इसमें बच्चे की माँ की भूमिका भारत की जानी मानी एक्टर डायरेक्टर नंदिता दास ने निभाई। फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया और इसने अवार्ड्स भी अपने नाम किए। नंबर 9, माहे मीर। मुगल भारत के प्रसिद्ध कवि मीर ताकी मीर के जीवन पर आधारित ये फिल्म आज के समय के कवि जमाल के बारे में दिखाती है, जो बुरे दौर से गुजर रहा है और खुद को मीर ताकी मीर के रूप में इमेजिन करने लगता है, जब मीर लखनऊ में थे और जीवन की परीक्षाओं और तकलीफों से गुजर रहे थे। मीर आपका दीवाना है, आपके एक एक मोए बदन पर हजारों दीवान लिख सकता है। जैसा कि फिल्म की कहानी उनके जीवन पर है, जिसे आज के वक्त से जोड़कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है, इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इसे पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन नॉमिनेट नहीं हो सकी। हमारा तो है असली मुद्दा तू, खुदा जाने तेरा क्या मुद्दा है। नंबर 8, दुखतर। ये कहानी एक माँ और उसकी 10 साल की बेटी की है। माँ अल्लाह रखी का निकाह सिर्फ 15 साल की उम्र में एक उम्रदराज जनजातीय नेता दौलत खान से हो जाता है और 2 दशक बाद दौलत खान को मौका मिलता है अपने विरोधी जनजातीय नेता तोरगुल के साथ सुलह करके अमन और शांति कायम करने का, जिसके बदले में तोरगुल का निकाह उसकी 10 साल की बच्ची से तय होता है। आपकी क्या कहानी है? तो आपका नाम भी नहीं मालूम। 15 साल की थी तो शादी हो गई, उसके बाद मेरी कहानी खत्म। जब ये बात उस बच्ची की माँ को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। फिल्म पाकिस्तानी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाने में सफल हुई है, जहां उनकी जरूरतों और उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये फिल्म अपने सब्जेक्ट को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रही और काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसे प्रीमियर भी किया गया। आपकी कोई बेटी है? मेरी बेटी कोई? फिर आपको क्या समझ आएगी? नंबर 7, नामालूम अफराद। शकील फरहान मूंग। 3 ऐसे लोग जो अपने गरीब जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे कि वो अमीर बन जाए। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में वो गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे कि वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का लगाया गया है, जो लोगों को बहुत पसंद आया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और साथ ही इसे अच्छा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, जिसके बाद साल 2017 में इसका सीक्वल भी आया। पहले ही कह रहा था ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो। यार ये तो हर बात तुझे पहले बता होती है। मैं तो पहले ही कह रहा था। ये पाकिस्तान की उन फिल्मों में से एक है जिसे पूरी तरह पाकिस्तान में ही शूट किया गया। 2007 के बाद यह पहली फिल्म बनी जो 22 हफ्तों तक चली। ये आपको बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी की भी याद दिला सकती है। मौत, गोगी और टट्टी कभी भी आ सकते। नंबर 6, मूर। मूर यानी कि माँ। कहानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रेलवे सिस्टम पर आधारित है, जहाँ एक बाप वाहिदुल्ला खान जो एक स्टेशन मास्टर है काफी संघर्ष करता है, क्योंकि जिस जगह वो काम करता था उस पर माफिया ने अपनी पैठ जमा ली है। एक तरफ जहां वो अपनी पत्नी के गुजरने के सदमे का सामना करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे से मन मुटाव का, जो पैसे कमाने के चक्कर में पहले से ही रेलवे में हो रहे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाता है। किसने मारा? बाबा तुमको मालूम था मर कहीं मरने वाली है, इसका वजह से हमारा मां मरा है। फिल्म में परेशानियों से जूझ रही पाकिस्तान की आवाम के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का कॉन्सेप्ट तैयार होने के बाद इसे रिलीज होने में 8 साल लगे। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान के हेडक्वार्टर्स में भी शूट किया गया। ऑस्कर सबमिशन के अलावा इसे बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया। ये वतन से मोहब्बत, प्यार,
बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दिल तक कुछ। नंबर 5 मालिक। एसएसजी ऑफिसर मेजर असद जो एक दुखद घटना का सामना करने के बाद कराची में अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी शुरू करता है जो बेसहारा और उन लोगों की मदद करता है जिनके केसेस कानून सीरियसली नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बिजनेसमैन जिसके बेटे का किडनैप हो जाता है और पुलिस से कुछ खास मदद ना मिलने पर वो मेजर असद से कॉन्टेक्ट करता है जो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अगर पैसों से अपने प्यारे वापस आ सकते ना तो मैं भी किसी को ले आता। फिल्म को पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बैन कर दिया गया था बजाय इसके कि फिल्म को तीनों सेंसर बोर्ड ने पास किया था। मालिक अकेली ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद भी फेडरल गवर्नमेंट से बैन झेलना पड़ा था। मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं नोटिस देता है। नंबर 4 शाह। हुसैन शाह जिनके जीवन की शुरुआत कराची के सड़कों से एक बेघर बच्चे के रूप में शुरू हुई जिसने आगे चलकर एशियन बॉक्सिंग पर लगभग एक दशक तक राज किया। ना पेट में रोटी ना जिस्म पे कपड़ा आए हैं बॉक्सर बनने। फिल्म में उनके किरदार को निभाने के लिए अदनान सरवर ने एक साल तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। हुसैन शाह ने 1988 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो पाकिस्तानी बॉक्सिंग इतिहास के अकेले ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। लेकिन जैसा कि हर खिलाड़ी के साथ होता आया है बाद में लोग और मीडिया दोनों उन्हें भूल गए लेकिन इस फिल्म ने उन्हें फिर से यादगार बना दिया। वालदा का इंतकाल हो गया, कुछ था नहीं, ना रहने के लिए करता, ना सोने के लिए कोई चीज, ना खाने के लिए कुछ। नंबर 3 मंटो। सदत हसन मंटो जिन पर जल्द ही भारत में भी फिल्म आने वाली है लेकिन इससे पहले मंटो पर पाकिस्तान ने फिल्म बनाई जो बेहद सफल साबित हुई। फिल्म को दुनिया भर में क्रिटिकली काफी पसंद किया गया और अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में भी फिल्म को दिखाया गया। ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तानी फिल्म इतिहास की बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म है। सुनाए बड़ी गंदी किताबें लिखता है तो मौजू तो देखो फोड़े पे कहानी लिखी है। सदत हसन मंटो पंजाब में जन्मे थे लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के लाहौर में रहे। फिल्म में उनके जीवन के आखिरी 7 सालों के ऊपर फोकस किया गया है जिस वक्त उन्होंने कई विवादित कहानियां लिखी थी जिसकी वजह से उन पर 3 बार अश्लीलता के आरोप भी लगे थे। फिल्म में उनके और सिंगर एक्ट्रेस नूर जहां के रिश्ते के बारे में भी दिखाया गया है। मैं आ गई हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। जब मैं अपना अक्स देखता हूं, तो मुझे अपना चेहरा क्यों नजर नहीं आता? ये तो तुम्हारे किरदार है। नंबर 2 बोर। एक धार्मिक मुस्लिम परिवार जो ज्यादा बच्चे होने और बदलते वक्त की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है जिसमें बाप को एक बेटे की चाहत है और अपने ही एक इंटरसेक्स बच्चे को नहीं अपनाता। फिल्म को क्रिटिकली और कमर्शियली खूब सफलता मिली। हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसीलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं। और कई इंटरनेशनल अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। ये सिंगर आतिफ असलम और एक्ट्रेस माहिरा खान की पहली फिल्म थी। फिल्म के पाकिस्तान में रिलीज के 2 महीने बाद इसे भारत और UK में भी रिलीज किया गया। फिल्म में आतिफ असलम का गाना होना था प्यार भारत में भी काफी पसंद किया गया। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? नंबर 1 फिल्म बताने से पहले कुछ ऐसी फिल्में जो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना सकी। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। पर कुछ ये भी कहने जो लाहौर विच जमिया है ओदे कोलों ते कदे दही भी नहीं जमिया। अगर अफगानिस्तान चलेगा पाकिस्तान। नंबर 1 खुदा के लिए। मंसूर और सरमद लाहौर के 2 सक्सेसफुल सिंगर्स जहां मंसूर एक मौलाना से प्रभावित होकर इस्लामिक तौर तरीके अपना लेता है और अपना म्यूजिक करियर छोड़ देता है क्योंकि इस्लाम समुदाय में इसे हराम माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सरमद शिकागो के म्यूजिक स्कूल चला जाता है जहां अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार इस फिल्म को बनाने का मकसद भारत और बाकी देश के लोगों का पाकिस्तान की तरफ नजरिया बदलना था। ये फिल्म पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म में सभी किरदारों ने दमदार परफॉर्मेंस दिया है और इसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक कैमियो भी किया है। इसे दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में प्रीमियर किया गया। पाकिस्तान में रिलीज के 1 साल बाद इसे भारत में भी रिलीज किया गया। इसे पाकिस्तान की अब तक की बेस्ट फिल्म माना गया है। पहले बातिन को ठीक करो, अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी। तो ये थी पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन फिल्में। आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे हमें जरूर बताइएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।